ये बच्चे वो हैं जिनके पेरेंट्स ने कभी इंग्लिश नहीं सीखी है, घर पे भी हिंदी में ही बातचीत होती है और स्कूल में भी हमारे जनरली हिंदी में ही बातचीत होती है बच्चों से एक दूसरे से। तो हम इन्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए और उसमें अच्छा प्रोफेशन बनाने के लिए भी अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है। तो हम वो चीज़ में भी यूज़ करते हैं जो हमें कभी जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल फोनिक्स यूज़ करना, जो साउंड्स होती है अल्फ़ाबेट की साउंड्स कैसे होती हैं, जैसे कि जी की साउंड ग होती है, ज नहीं होती, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है बच्चों को। और सी एच मिला के च साउंड बनता है, ना तो हिंदी लैंग्वेज में ये सब कुछ है और ना ही लोगों को इतना एक्सपोजर मिलता है, इतनी बुक्स मिलती है कि ये अपने आप पता चले। रीडिंग फ्लुएंसी से शुरुआत होती है, साउंड से शुरुआत होती है, साइट वर्ड से शुरुआत होती है, उसके बाद हम जाते हैं रीड अलाउड्स पे। अच्छी बुक्स, अच्छी स्टोरीज पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं इनसे पूछ रीड करने को बोलती हूँ। जैसे कि हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, मैंने कुछ पढ़ी 4-5 लाइंस, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा, लेकिन उसके लिए जवाब वो मुझे नहीं देंगे, पहले अपने पार्टनर्स को देंगे, अपने डिस्कशन करेंगे। या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इंग्लिश में ही ट्राई करें डिस्कशन देना जवाब। कभी कभी जैसे कि सुबह की शुरुआत में ही मैं कोई टॉपिक इन्हें दे देती हूँ और कुछ बच्चों को मैं बोलती हूँ कि अब आप सोचो और आओ, तो वो आते हैं, सामने खड़े होते हैं, सबके सामने बोलते हैं, इससे कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है और धीरे धीरे स्टैमिना बिल्ड होता है वो बात करने का।